हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है जिसका नाम है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप में से कईयों ने एसआईपी के बारे में तो बहुत सुना होगा, शायद लगाया भी होगा पैसा, लेकिन एसटीपी के बारे में कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि एसटीपी है क्या और कैसे इसका यूज़ करेंगे और किन परिस्थितियों में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरे ही कंपनी में एक टीम मेंबर ने मेरे को बोला, सिद्धार्थ इस साल मेरे को 50,000 रुपये बोनस मिला है तो उसको मैं इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं एक बार में लगा दिया एक ही झटके में, उसके बाद मार्केट गिर गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा और पैसे लगाने के लिए है नहीं, एवरेजिंग करने के लिए पैसे है नहीं, तो इसका कोई रास्ता है क्या? तो मैंने उसको कहा कि भाई बिल्कुल रास्ता है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक डेट फंड का चुनाव करना है, एग्जाम्पल एक लिक्विड फंड का चुनाव करना है और लिक्विड फंड से आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे उस म्यूचुअल फंड कंपनी को कि तुम यहाँ पर लिक्विड फंड में पैसा रखो मेरा 50,000 रुपये और वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो इनटू इक्विटी फंड ऑफ द सेम एएमसी। तो मैंने उसको अल्टीमेटली ये बताया कि भाई तुम एचडीएफसी लिक्विड फंड में अपना पैसा 50,000 रुपये पार्किंग कर दो, जहाँ पर आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलती रहेगी, बैंक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है, बट एक बात तो पक्की है सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलती रहेगी आपको उस लिक्विड फंड में। और वहाँ से आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे उस म्यूचुअल फंड कंपनी को, जब आप एसटीपी का फॉर्म भरेंगे, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कि मेरा पैसा आप वीकली या क्वार्टरली या मंथली या इवन फोर्टनाइटली इतना रुपया आप मेंशन करेंगे 50,000 में से, हर हफ्ता या हर जो भी फ्रीक्वेंसी आप चुनाव करेंगे हर हफ्ता 1,000 रुपया या 1,500 या 2,000 आप ट्रांसफ़र कर दो इनटू एसडीएफसी इक्विटी फंड। तो हर हफ्ता अगर आपने चुनाव किया है 1,000 रुपया ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे 50,000 रुपये के कॉर्पस से, 50,000 रुपये जो मेरा लमसम लगाया, हर हफ्ता अगले 52 हफ्ते तक करीब करीब हर हफ्ते में एक बार पैसा ऐसे निकलेगा सिस्टमेटिक विड्रॉल और इसमें चल जाएगा वाया एसआईपी। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल होगा एक फंड से, डेट फंड से, और उसी कंपनी की इक्विटी फंड से जो आप नाम बताएंगे उसमें एसआईपी हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और एसआईपी को जब कंबाइन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। बेसिकली इसमें दो फंड होते हैं, सोर्स फंड दैट इज़ एचडीएफसी लिक्विड फंड जो मैंने एग्जांपल दिया, और टारगेट फंड वो उसी कंपनी का कोई भी इक्विटी फंड, जिसमें मैं अगेन आपको एग्जांपल दिया एचडीएफसी इक्विटी फंड। तो सोर्स फंड टारगेट फंड आपने चुनाव करना है, पैसा लगाना है इसमें लमसम सोर्स फंड में, और आपको बताना है कि किस फ्रीक्वेंसी पर कितना पैसा भाई मेरा ट्रांसफ़र करोगे। तो जब तक आपका मूलधन यहाँ पर जो लगाया गया है सोर्स फंड में, जब तक वो कायम रहेगा तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब ये पैसा ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। अब आप ऐसा क्यों करेंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि मेरे टीम मेंबर को डर लगा था कि यार एक साथ में लमसम पैसा नहीं लगाएंगे इक्विटी मार्केट में। तो जब भी आपके पास कोई लमसम पैसा आया है, चाहे आपको बोनस मिला हो मेरे टीम मेंबर की तरह, या आपको कहीं पर बैंक एफडी या एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हुई है, या कहीं से भी पैसा आया हो, बड़ा पैसा कहीं पर से भी आपके पास आया और आपको एक बार में नहीं लगाना है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, तो भी इक्विटी मार्केट का फ्लेवर आपको मिलेगा, डेट का रिटर्न भी मिलेगा साथ में इक्विटी का रिटर्न भी मिलेगा। यही इसका फंक्शनिंग है और यही इसका मतलब है, एसटीपी का मतलब है। और एसटीपी का एक एडवांटेज और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा कि आप बैंक अकाउंट में पैसा रख दो और वहाँ से ट्रांसफ़र करो। बैंक अकाउंट में जब पैसा रखेंगे और वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द इक्विटी फंड तो उसको हम लोग तो एसआईपी बोलते ही हैं, एसआईपी तो उसी को बोलते हैं ना, कि बैंक अकाउंट में पैसा रखा रहा और हर महीने इतना रकम कट जाएगा या हर हफ्ते रकम कट जाएगी और इक्विटी फंड में पैसा चला जाएगा। ऐसा मैं आपको क्यों नहीं बताया, उसका कारण क्या है, उसमें वो स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो एसटीपी के मुकाबले रिटर्न कम मिलेगी। सेविंग्स बैंक अकाउंट रिटर्न कितनी आती है, चले सोचिए या बताइए, 3.5% अमूमन 3.5% रिटर्न आती है, 3.5 कहीं 4, कुछ कुछ बैंक अकाउंट आपको 6-7 तक देते हैं लेकिन वो पूरे बैलेंस पर नहीं देते हैं। अगर आप 50,000 रुपया रखेंगे तो आपको क्या लगता है पूरे 50,000 पर आपको 7% रिटर्न मिल जाएगी? कुछ कुछ बैंक देती है 7%, 6%, उसमें सब महीन अक्षरों में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। प्लीज़ वो सब टर्म्स कंडीशन देखिए। एग्जाम्पल देता हूँ टर्म्स कंडीशन का भी, कि 1.5 लाख के ऊपर इतना परसेंटेज रिटर्न देंगे, 2 लाख के ऊपर होगा तो इतना रिटर्न देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा 50,000 या पूरा 5 लाख जो भी रुपया आप डालेंगे उस पर फ्लैट 7% रिटर्न देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो 50,000 रुपये अगर आप बैंक अकाउंट में नहीं रख के यहाँ पर रखेंगे और वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी का रिटर्न तो मिलेगा ही, जो एसआईपी में भी मिलता,
लेकिन यहाँ पर डेट फंड का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा? 3.5-4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करेंगे इनटू इक्विटी, जो कि एसआईपी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें आपको सिर्फ इक्विटी का रिटर्न ही मिलेगा प्लस बैंक का रिटर्न। तो एसआईपी के अंदर में आपका बैंक अकाउंट प्लस एसआईपी का रिटर्न कितना होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एक मोटा मोटी एग्जांपल है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट का रिटर्न 3.5% और एसआईपी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने किया उसका रिटर्न मान लीजिए 15%, तो 15% और 3.5% कितना हुआ, 18-19% करीब तक। और बजाय इसके अगर आप एसटीपी में जाते हो, एसटीपी में कम से कम 6-7% आपको डेट फंड से मिल जाएगा और 12-15% या 15% आपको इक्विटी में मिल जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 6-7% और उधर में 12-15%, टोटल कितना हुआ, 18-20%। कुछ ज़्यादा हो सकता है, रियल लाइफ में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप डेट फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसमें 7%, 7.5%, 8% तक भी मैं देखा हुआ हूँ, आपको भी मिल सकता है। वो आपको चुनाव करना पड़ेगा, आपको अपने एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा कोई डेट स्कीम बताओ जहाँ पर मैं लमसम पैसा पार्किंग कर सकूँ और वहाँ से इक्विटी में ट्रांसफ़र करूँगा। तो टोटल इसमें 20% से ऊपर रिटर्न आने की चांसेस है। तो ये था दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या है और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एसटीपी है क्या और कैसे इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।